दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त मुश्ताक शेख। ये जो कोना में आप पलंग का डिज़ाइन देख रहे हैं, इस डिज़ाइन को हम किस तरह से बनाए हैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। और ये वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम दो पार्ट किए हैं। पहला पार्ट ये वाला वीडियो, और उसके बाद मैं दूसरा वीडियो दिखाऊँगा। चले पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं ये जो पहला स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से किया जाता है, ये वीडियो डबल पार्ट है, ठीक है। ये पहली मतलब आपका वीडियो है, उसके बाद दूसरा पार्ट भी आप लोग देखिएगा। काहे पूरा एक ठो इस डिज़ाइन को मैंने जो बताए थे, जो डिज़ाइन को किस तरह से बनाए थे, तो वो जो पूरा पूरी अब पूरा देखेंगे तब जाके समझ में आएगा। इसीलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने दो भाग किए हैं। पहले हम कार्बन में दागी मार रहे हैं, पीछे नीचे में कार्बन दे दिए हैं। और नीचे में कार्बन देने से क्या है, आपका लकड़ी में पूरा पूरी दागी ठो उठ जाता है, और उठ जाने से आप आराम से मतलब वो दागी ठो देख देख के उसमें रेकी मारेंगे। तो मैंने ये ड्राइंग बनाए थे, लेकिन आप लोगों को जो है ना वो ड्राइंग बनाते हुए नहीं दिखाया। काहे, एक तो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मुश्किल से इसको वीडियो को दो पार्ट किए हैं। फिर भी पहला स्टेप ये वाला है, दूसरा स्टेप मैं और एक बार डाल दूंगा यूट्यूब में, तो आप लोग वो वीडियो तो देख लीजिएगा। इसको डालूंगा और उसको भी डाल दूंगा डिजाइन तो यूट्यूब में, तो आप लोग देख लीजिएगा, सीखने में मिलेगा। देखिए, अंदर में मैंने कलर्स दिए हैं और ये डिजाइन दिए हैं, आप लोग देखिए। पहले हम दागी मार दे रहे हैं, नीचे कार्बन है आपका, कार्बन से वो उस तरफ आसानी से उठ जाएगा, ठीक ना। इससे क्या होगा, आपको रेकी मारना है। इस काम को मैंने रोटर का थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं किया है, ना कुछ मशीन का इस्तेमाल किया, पूरा पूरी बाटली से हम काम किए हैं। काहे, ये डिजाइन ही ऐसा है जो आपको बाटली में ही काम करना है। रेकी और आप पौने इंची बाटली और आपका गोभी बाटली और पतला रेकी और बहुत सारा बाटली से इसको हम ख़त्म किए हैं। तो किस तरह ख़त्म किए हैं पूरा वीडियो देखिए, इसको भी देखिए और दूसरा स्टेप दूसरा पार्ट भी देखिएगा। तो ये तो मेरा कार्बन छापना कंप्लीट हो गया, ठीक है। उधर छाप दिए थे, फिर इधर छाप दिए, ये देखिए इस तरह से मेरा कार्बन छापना कंप्लीट हो गया। तो जो सीखना चाहते हैं इस तरह का आइडिया ले सकते हैं आप लोग मेरे से। ये देखिए, छाप दिए दो तरफ, आधा आधा कर दिए थे, कागज़ काट दिए थे, अब रेकी मार रहे हैं। जो रेकी मार रहे हैं मोटा रेकी, इसे मोटा रेकी कहा जाता है। ये देखिए, हम रेकी मार रहे, किस तरह से रेकी मार रहे पूरा देखिएगा, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए देखिए किस तरह से रेकी मार रहे हैं, रेकी चला रहे हैं, आपका दागी का सेंटर सेंटर में रेकी मार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि साइड में मारेंगे, साइड में मारने से आपका डिजाइन इधर का उधर भाग जाएगा, फिर डिजाइन को ठीक करने में बहुत परेशानी हो सकता है। जो दागी है आपका उसी का बीच में आपको रेकी चलाना है, इस बात का ध्यान रखें, साइड में नहीं। दागी का साइड में चलाएंगे वो डिजाइन थोड़ा अलग टाइप का हो जाएगा, फिर जो बनाए थे डिजाइन आप वो अलग टाइप का दिखने लगे जाएंगे। तो देखिए अब लोन भाई लोन, जो भी मुझे फॉलो कहते हैं, जो भी हो, इससे क्या है थोड़ा बहुत सीखने आप लोगों को आइडिया आएगा, है ना। ये देखिए, देखिए रेकी किस तरह से हम चला रहे हैं सेंटर में, और आपका ये देखिए ठीक है, पूरा सेंटर सेंटर में चलाना है आपको रेकी पूरा। देखिए देखिए, हम लोग जो है ना ज़्यादातर काम रेकी से करते हैं। रेकी से क्या है, आपको ज़्यादातर काम इस्तेमाल करते हैं। मैंने मेरा दूसरा वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से रेकी से बहुत सारा काम होते हैं। ये देखिए, देख लीजिए किस तरह से दूसरा, देखिए हो गया।
रेकी मार दे रहे, देखें रेकी से आपका कितना मतलब आसानी है इसमें। मैं करता हूँ हमेशा रेकी का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ, तो इससे क्या है मुझे बहुत सारा, अब बाटली, इस बाटली से बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये देखें, लेकिन आना चाहिए, ऐसा नहीं है जो नहीं सीख के आप चल जाएंगे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ सीखना पड़ता है, हर चीज़ में मेहनत लगते हैं, हर चीज़ बिना सीखे कुछ नहीं होता भाई। जो भी है आपको एक तो सीखने के लिए आदमी पकड़ना पड़ेगा, उससे आप ट्रेनिंग लेके कर सकते हैं, ठीक ना। जो आप लोगों के आसपास में जो भी देख रहे हैं उसके पास जो हेड मिस्त्री है, जो डिजाइनर है, उससे आप सीखिए, सीख के आइडिया लीजिए और आपको बताएंगे कि किस तरह से किया जाता है, ठीक ना। फिर भी मैं भी आप लोगों को थोड़ा बहुत जितना जानता हूँ बताऊँगा आप लोगों को। ये देखें, याद हो गया, ये सेंटर का ये हो रहा है। देखें सेंटर में हम रेकी मार दे रहे हैं, फिलहाल तो सब रेकी से काम कर रहे हैं इसको। इसके बाद मैं बाटली से मारूंगा और लास्ट में दूसरा पार्ट में, दूसरा वीडियो में आप देखेंगे ये काम ठो किस तरह से हुआ है फाइनल। दो ठो मतलब इस डिज़ाइन को देखने के लिए आपको दो ठो वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके अब पूरा मतलब काम ठो देख पाएंगे। क्या करेंगे भाई, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम उसको फिर भी काट झाट के किए हैं, फिर भी मतलब नहीं हो पा रहा है, बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो ठो, इसीलिए मजबूरन ऐसा करना पड़ा मेरे को। चलिए आप लोग अगर सीखना चाहते तो दो ठो वीडियो देखिए, ठीक ना, और नहीं सीखना चाहते तो आप लोगों का मर्जी भाई, ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे। अरे मुश्ताक भाई अपना फ़ायदा के लिए ऐसा किए नहीं है, ऐसा नहीं किए हैं, लेकिन मजबूरी है, लेकिन वीडियो इतना लंबा है भाई, क्या कर सकते बोले। आप लोगों को समझाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, जैसे आप लोगों को आसानी से आसानी समझ में आ जाए किस तक किस तरह से काम किया जाता है, है ना। ये देखें, ये देखें, हम पहले ही मतलब ड्राइंग बना चुके, उसके बाद उसको रेकी से पहले काम कर दे, उसके बाद बाटली से पौने इंची बाटली, गोभी बाटली, ये सब का इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से करेंगे देख लीजिए भाई। जो भी YouTube में वीडियो डालते हैं, लेकिन मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ पता नहीं, आप लोगों को पूरा पूरी कोशिश करो कि किस तरह से एक एक पार्ट दिखाऊं, किस तरह से काम करता है मैं दिखा सकूं आप लोगों को। बहुत सारे यूट्यूबर देखे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे वीडियो बना देते हैं, लेकिन खाली जो ई कर देते, फ़ोटो दिखा देते हैं। मैं कोशिश करता हूं काम करते हुए आप लोगों को दिखाऊं, उससे क्या है आप लोगों को नॉलेज आएगा, ठीक ना। मैं किसी यूट्यूबर का बुराई नहीं कर रहा, फिर भी जो करते हैं वो थोड़ा आसानी होता है, लेकिन उससे क्या है आदमी को समझ में नहीं आता है। वीडियो डालने में आसानी होता है और कुछ ही नहीं है, ऐसे वीडियो बना दिया, बैकग्राउंड सॉन्ग दे दिया, आराम से बस हो गया, लेकिन क्या है इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जो क्या बना है क्या नहीं है, कहाँ क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से किया जा रहा है, समझ में नहीं आएगा, मेन बात यही। इसीलिए मैं चाहता तो ऐसे एक तो अब उनको दिखा सकता था कि किस तरह से काम किया जाता है। देखिए देखिए, अब मैं पानी पी रहा हूँ, इतना मतलब प्यास लग रहा था इसलिए थोड़ा रुक गया था। क्या करेंगे भाई, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। वीडियो पूरा देखिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को समझाने के लिए भाई, और कुछ नहीं है। देखिए रेकी से
रेकी का काम ख़त्म होने से अब हाथ में पौने इंची पार्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लगभग रेकी का काम ख़त्म होने जा रहा है, ये देख लीजिए पूरा पूरी। ठीक है, देख लीजिए आप लोग इस डिज़ाइन को किस तरह से बनाए हैं। आप लोग आराम से देखिए भाई, इसमें बहुत मेहनत लगा है मेरा वीडियो बनाने में। ये देखिए पूरा रेकी मारा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, पूरा रेकी हम मार दिए। अब मेरे को क्या करना है, अब इसको फाइनल करना है, बाटली से पूरा गोलाई उलाई करना है सब तरफ। रेकी कर दिए हैं, अब मेरे को बाटली का काम करना है। देखिए बाटली से ये पौने इंची इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी हम इसको राउंड कर रहे हैं सब तरफ, पौने इंची से राउंड कर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखिए इस तो दोस्तों, मेरे से अगर हिंदी में थोड़ा गलती हुआ माफ़ कीजिएगा, ठीक ना। और देखिए किस तरह से, ठीक ना, मेहनत तो है भाई, मैं बिना मेहनत का कुछ होता नहीं है। आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिए जो हम कर पाएंगे, इस तरह से कोशिश कीजिए। जो मतलब कोशिश करता है वो नहीं हार पाता है, कि कोशिश करेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं कोशिश करेंगे कुछ नहीं होगा। हो सब कर रहे, हम काहे नहीं कर पाएंगे डिजाइन हो, ऐसा बड़ा बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है आप लोगों को डिजाइन, जो जो नया नया है जो देख रहे, नया आदमी जो पुराना है उसका बात छोड़िए, वो तो मिस्त्री है उसका बात छोड़िए, लेकिन जो नया सीखना चाहते हैं वो देखिए आप आसपास में कोई आपका मतलब मिस्त्री है कि नहीं, उससे कांटेक्ट कीजिए, भाई मैं काम सीखना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, कांटेक्ट करने के बाद आप बोलिए भाई, शुरुआत में पैसा मत लीजिए, ठीक ना, उसके बाद सीख जाने से ऑटोमेटिक आपका घर पैसा आ जाएगा, अब वो टेंशन मत करिए। जब वो शुरुआत में ही पैसा मांगना शुरू कर देंगे तो आदमी सिखाएगा नहीं, ठीक ना। आप कोशिश कीजिए जो, ये देखिए मेरा मिस्त्री का, मिस्त्री बोलने से जिसके पास काम करते हैं वो बोला भाई मेरा नंबर मत देना, बहुत फ़ोन आता है ऐसा बोल रहा था। जो भाई फ़ोन कर रहे भाई, इसको नंबर दिए थे मालिक है, मालिक बोलने से इसके पास हम काम करते हैं, लेकिन फ़ोन उन ज़्यादा मत कीजिए। देखिए एक आदमी हमेशा काम में रहते हैं ना, उससे उसको दिक्कत होता है, ज़्यादा फ़ोन एक बार कर दिए ठीक है, ज़्यादा फ़ोन करने से क्या है ना, मैं क्या बोलूँ, इंसान है बोरिंग होता है थोड़ा, ज़्यादा फ़ोन उन मत कीजिएगा ना, मेरे बात से खराब मत सोचिए, मजबूरी है। वो मेरा नंबर नहीं है, मैं जो YouTube में डाला हूँ वो मेरा दुकानी का नंबर है, तो भाई वो भी अपना काम है ना, बिजनेस है उसका, ठीक है। और ये देखिए ठीक है, गोलाई कर दे रहा हूँ इसको, गोलाई करने के बाद जो पहले शुरुआत में जब मैंने फ़ोटो दिखा था पूरा डीटो उस तरह बनाएंगे किस तरह से, आप पूरा देखिए। शुरुआत में मैंने कोना में एक फ़ोटो दिखाया था जो, और उसी डिजाइन को किस तरह से बनाया जाता है पूरा देखिए, ठीक ना। वीडियो लंबा होगा, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, कोशिश की बहुत लंबा टालने के लिए पूर्ति में, नहीं हो पाए यार। अब लोग काम करते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि रेशा किस तरफ जा रहा है। रेशा बोलने से देखिए, जैसे समुंदर का पानी जिस तरफ बह रहा है उस तरफ आप जाएंगे, स्रोत जो होता है तो वो चीज़ आप जाने में सुविधा होगा, लेकिन उसका अपोजिट साइड जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे। उसी तरह है जो लकड़ी का रेशा, रेशा किस तरह भाग रहा है वो आपको देखना है, जिस तरह भाग रहा है तो आपको उस तरफ बाटली ठेलना है। बाटली
रेशा देख के ही आप बाटली थैली, नहीं तो नहीं होगा। अब उखड़ेगा, उखड़ जाएगा और बाटली चलेगा नहीं, पूरा अंदर चल जाएगा और नहीं चलेगा। अब रेशा देखना पड़ता है। एक काम में आपका रेशा जो है ना, रेशा चौचाली बोलते हैं बंगाली में, वो चीज़ देखना पड़ता है। अब वो चीज़ नहीं देखेंगे नहीं कर पाएंगे काम, तो ठीक है ना। देखिए मैं कभी कभी हाथ इधर कर रहा हूँ, कभी कभी उधर कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ उस बात को समझिए। जो रेशा किस तरफ गया है मेरे को उस तरफ मानना है। देखिए मेरे हाथ पर आप लोग ध्यान दीजिए, जो मैं किस तरफ से कर रहा हूँ, कभी इधर घूम रहा हूँ कभी उधर घूम रहा, क्योंकि रेशा जिस तरफ गया है मैं उधर घूम रहा हूँ, ठीक ना। ठीक है, ये देखिए किस तरह से कर रहा हूँ मैं इस काम को, ठीक है। आज जो रैप रह रहा है उसको मैं रेकी से हल्का हल्का ई कर दे रहा, काट दे रहा हूँ, उससे क्या होगा पूरा रैप नहीं रहेगा। अभी बाटली इस्तेमाल कर रहा हूँ, गोबे बाटली इसको बोलते हैं, जो भी काम करते हैं वो भी जानेंगे, लेकिन आप लोगों का इलाके में क्या बाटली बोलते हैं मालूम नहीं। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ गोबे बाटली बोलते हैं, ठीक है। ये 1.25 इंच इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गोबे इस्तेमाल कर रहे गड्ढा मारने के लिए, छोटा छोटा गुलाब का कूड़ी क्या बोलेंगे, जैसे गुलाब फूल छोटा छोटा हुआ है ऐसे तो गुलाब फूल नहीं लग रहा है, फिर भी देखने में एक ठार क्या, ठीक है, ऐसे बनाना पड़ता है भाई, ठीक है। चलिए वीडियो तो आप लोग देखिए, गर्मी लग रहा था इसीलिए मैंने शर्ट खोल दिया, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट का इंतज़ार कीजिए, ठीक है, इतना तक किए।